लखनऊ विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश का 44 वार्षिक अधिवेशन गन्ना संस्थान में संपन्न हुआ। अधिवेशन के बारे में बताते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बाबू अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि 44वें वार्षिक महाधिवेशन में हमको आमूल चूल परिवर्तन चाहिए विद्युत व्यवस्था में, और विकसित देशों की हम बड़े खुश हैं कि मोदी जी विकसित देशों की नकल कर रहे हैं, लेकिन विकसित देशों की नकल विकासशील देश करें तो फायदा तभी होगा जब सब में करें। जब तक रोजगार न दें तब तक बेरोजगारी भत्ता दें। बड़े लोग जो बिजली की चोरी और खपत अपना देती करते हैं उसका चौथाई पैसा नहीं देते हैं, और छोटे लोगों का शोषण होता है, उसमें हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री दें। और छोटे छोटे जो संविदा कर्मचारी और ऑपरेटर हैं, काम लेते हैं 2 लाख वाला देते हैं, 20,000 भी नहीं है उनको, उनका जो पैसा है बढ़ाए खर्चे के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा महंगी आजकल खाना कम महंगा, नाश्ता ज़्यादा महंगा, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, ये दो चीज़ें बड़े उसमें। शिक्षा व्यवस्था में हम शिक्षा भत्ते की बात कर रहे हैं, और चिकित्सा व्यवस्था हम कैशलेस, जैसे राज कर्मचारियों कैशलेस की सुविधा है, इस तरह चिकित्सा हमारी भी कैशलेस के तुरंत आदेश होने चाहिए। और जितनी विसंगतियाँ हमने छठे और सातवें वेतन आयोग में समझौता किया है वो विसंगतियां तत्काल दूर होने चाहिए, नहीं तो हमने कह दिया है भाई ठीक है राम के भक्त हम भी हैं, कृष्ण के भक्त हम भी हैं, ऊपर वाले सबके हैं, कोई ताकतवर है तो जिससे दुनिया चल रही है, लेकिन ये भी बार बार कहा गया है भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। और भूखे रह के जल्दी जल्दी राम नाम का भजन भी नहीं होता, वो होता है तो आदमी भूखा जब मर जाता है लोग कहते हैं राम राम लो स्वर्ग मिल जाएगा, मुंह से राम निकलता भी नहीं। तो स्थिति ये है कि हम मजबूत चाहते हैं। लोग कहीं कहीं कहते हैं कि हम अभी ये भी कभी कभी कहते हैं कि राष्ट्र व्यक्ति पहले राष्ट्र बाद में। जैसे कि आपने सुना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बाबू अवस्थी ने बताया कि संगठन का 44वां अधिवेशन है जिससे विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं के कई विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन ने ये निर्णय लिया है कि लोकसभा से पहले कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था, ठेका प्रथा खत्म कराकर संविदा कर्मियों को स्थायी करने के साथ ही बिजली कर्मचारियों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाने की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इस बार कर्मचारियों की अपनी इन मांगों के लिए आर पार की लड़ाई संगठन एकजुट होकर लड़ेगी। वहीं कर्मचारी मोर्चा संगठन का चुनाव भी किया जाएगा जिसमें प्रदेश भर से और अन्य कुछ राज्यों से आए कर्मचारियों ने उम्मीदवारों के लिए मतदान किया। चुनाव में चंद्र प्रकाश अवस्थी उर्फ बब्बू को एक बार फिर निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष, गोपाल कृष्णा गौतम को प्रदेश मुख्य महामंत्री और संजीव तेवतिया को प्रदेश महामंत्री के पद पर सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं संगठन के अधिवेशन में आए कर्मचारियों ने फूल माला पहनकर सभी विजय पदाधिकारियों का स्वागत भी किया। आइए सुनते हैं, इसी कड़ी में प्रदेश मुख्य महामंत्री गोपाल कृष्ण गौतम ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। कर्मचारियों का आमेलन एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में किया जाए और 300 यूनिट बिजली फ्री की हमारी मांग है, और कर्मचारियों को जो बिजली की सुविधा 2000 का हमारा समझौता है वो लागू किया जाए, उसमें कमतर न किया जाए, LMB 10 की सुविधा बराबर बाहर एम्प्लॉयों की रहे, उसके लिए विचार चल रहा है। उसके लिए हमें आंदोलन लखनऊ से दिल्ली तक जाना हो, पद यात्रा करनी हो, शक्ति रथ जैसे पहले निकाला था जन जागरण करना हो, उसके लिए हम तैयारी और रूपरेखा आज शाम को महापंचायत में तय करेंगे। ऐसी ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।